पॉलिटिकल किस्से। कुछ महीनों बाद यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल नई सरकार और नया सीएम यूपी की कुर्सी पर बैठेगा। ऐसे में यूपी की राजनीति को जानना काफी दिलचस्प होगा। इसी क्रम में पत्रिका यूपी अपने पाठकों के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़े रोचक किस्सों और कहानियों को पॉलिटिकल किस्से शीर्षक के तहत लेकर आ रहा है। पूर्व सीएम के किस्सों की सीरीज में पेश है उस महिला के बारे में रोचक जानकारी जो अन्य प्रदेश की रहने वाली थी लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के विभाजन में भी इनकी भूमिका अहम थी। बात हो रही है सुचेता कृपलानी की, जिन्हें पैराशूट सीएम कहा जाता है। ये न केवल यूपी बल्कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। लाहौर और दिल्ली में उनकी शिक्षा हुई थी, जबकि राजनीतिक करियर दिल्ली से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीता बल्कि मुख्यमंत्री भी बनी। अंबाला हरियाणा के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी सुचेता कृपलानी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जीवट राम भगवान दास कृपलानी यानी जेबी कृपलानी उनके पति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक साल के लिए सुचेता कृपलानी को जेल भी जाना पड़ा। सुचेता कृपलानी उन महिलाओं में से थीं जिन्होंने महात्मा गांधी के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी है। सुचेता कृपलानी भले ही दिल की कोमल थीं पर प्रशासनिक फैसले लेते समय वो दिमाग की सुनती थीं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी, लेकिन वो कर्मचारी नेताओं से सुलह को तभी तैयार हुई जब उनके रुख में नरमी आई। 1958 से 1960 तक कांग्रेस की महासचिव रही। 1940 में सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते एक साल के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1952 में सुचेता ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसदी का चुनाव जीता, लेकिन राजनीतिक मतभेद के चलते वो फिर से कांग्रेस में लौट आईं। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दिल्ली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो राज्य मंत्री भी रहीं। नेहरू ने अचानक दिल्ली से सुचेता को लखनऊ भेजा। जवाहरलाल नेहरू ने अचानक सुचेता कृपलानी को यूपी में राजनीति करने के लिए भेजने का अप्रत्याशित फैसला लिया। यहाँ वो बस्ती जिले की मेंढवाल विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। 1963 से 1967 तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। बाद में 1967 में गोंडा से चुनाव जीतकर सुचेता फिर से संसद पहुंची। 1971 में राजनीति से संन्यास ले लिया। 1962 में यूपी में कांग्रेस के दो धड़े हो गए थे, एक कमलापति त्रिपाठी का था और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। कहते हैं कि गुप्ता ने ही सुचेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए उकसाया था, क्योंकि गुप्ता खुद चुनाव हार गए थे। वह कमलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे।